गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट वन फिजिक्स के पेपर वन मैकेनिक्स के पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने कोरिओलिस बल की बात की थी। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। एक्सेप्शनली हमने इसको एक इनर्शियल फ्रेम माना है, लेकिन वास्तविकता में क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है तो यहाँ ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और जब अगर हम डेप्थली डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के रोटेशन के कारण ये अपने आप में एक रोटेटिंग फ्रेम है। और रोटेटिंग फ्रेम के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ साथ एक कोरिओलिस बल भी कार्य करता है। हमने पिछली क्लास के अंदर कोरिओलिस बल के कारण जो इम्पैक्ट आने हैं उनको हमने डिस्कस किया था और देखा था कि जो क्षितिज में गति कर रहा है उस कण पर भी कोरिओलिस बल का प्रभाव होता है। और इससे हमने नदियों में जो कटाव होता है या चक्रवात को समझने की कोशिश की थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं पृथ्वी का जो कोरिओलिस बल है वो पिंडों की गति को प्रभावित करता है। आज इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे कि ऊर्ध्वाधर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो उस पर कोरिओलिस बल का क्या प्रभाव होगा। देखिए, सामान्यतः हम ये मानते हैं कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो सीधी नीचे की तरफ आती है, और न्यूटन की गति के नियम से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्षण उसका वेग वी इक्वल टू जी टी हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच हो जाएगा, और हम इसे सीधी रेखा की गति मानते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर कोई वस्तु सीधे ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो सीधे ऊपर से नीचे नहीं आकर वो कुछ क्षितिज में भी विस्थापित होती है, और ये जो क्षितिज में विस्थापन है ये कोरिओलिस बल के कारण है। मींस पृथ्वी पर जो कोरिओलिस बल है उसके कारण कोई वस्तु सीधे नीचे नहीं आके कुछ रूप से वो दूर खिसक जाती है, यानी क्षितिज में, सीधे ऊपर से नीचे नहीं आके क्षितिज में विस्थापन होता है। आज इसी को हम यहां डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर कोई पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कोई वस्तु गिरी जाती है तो उसमें कोरिओलिस बल के कारण क्षितिज में उसका कितना विस्थापन होगा। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने माना है कि जब वस्तु को कोई प्रारंभ में हमने फ्री फॉल माना है, फ्री फॉल का मतलब यह है कि अगर हमने किसी एच ऊंचाई से वस्तु को छोड़ा है तो उसको जस्ट फ्री करा है, मीन्स प्रारंभिक वेग उसका शून्य है। देखिए, हम किसी अक्षांश पर बात कर रहे हैं, भी हमने उत्तरी गोलार्ध में बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध के किसी स्थान का अक्षांश मान लीजिए लैम्डा है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि उस जगह उसके ऊपर जो कोणीय वेग है वो जे डैश ओमेगा कॉस लैम्डा प्लस के डैश ओमेगा साइन लैम्डा के इक्वल होगा। ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि जब पृथ्वी अपने सापेक्ष गति करती है तो किसी ऐसे स्थान जिसका अक्षांश लैम्डा है वहां ओमेगा के दो घटक होंगे, एक जे डैश कंपोनेंट होगा और एक के डैश कंपोनेंट होगा, यानी एक ऊर्ध्वाधर है और एक वाय दिशा है। तो यहाँ हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए, जे डैश इज इक्वल टू ओमेगा कॉस लैम्डा प्लस के डैश ओमेगा साइन लैम्डा। हमने ये माना है कि वस्तु ऊपर से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरी है तो किसी प्रारंभिक वेग तो शून्य हो गया, लेकिन किसी भी समय उसका वेग जो होगा वो माइनस जी टी के डैश होगा, क्योंकि के डैश ऊपर की ओर एकांक सदिश है तो पृथ्वी के केंद्र की ओर वेग होगा, क्योंकि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो उसका वेग पृथ्वी के केंद्र की ओर होगा, तो किसी आर्बिट्री टाइम टी पर उस वस्तु का उस पिंड का वेग होगा माइनस के डैश, ये यूनिट वेक्टर हो गया जी टी। मीन्स किसी क्षण अगर हम बात करें तो वस्तु पर इतना कोणीय वेग लगेगा और इतना उसके ऊपर सीधा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वेग है। निश्चित ही कोरिओलिस बल जो कार्य करेगा, तो हमने पूर्व में निकाला है कि जो कोरिओलिस बल है वो होता है एफ सी इज इक्वल टू टू माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस वी। देखिए, कोई वस्तु जब गतिशील होगी तो पृथ्वी के कोणीय वेग के कारण, पृथ्वी की कोणीय गति के कारण उस पर एक अतिरिक्त बल कार्य कर रहा था, वो है कोरिओलिस बल, और वो कोरिओलिस बल क्या है, माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस वी डैश। अब अगर हम ओमेगा क्रॉस वी डैश को सारणिक डिटरमिनेंट की फॉर्म से डिस्कस करें तो देखिए, मैंने इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया, आई डैश जे डैश के डैश, यहाँ ओमेगा के कंपोनेंट्स लिख दिए हैं
और यहाँ पर हमने वीडेस के कंपोनेंट लिख दिए हैं, तो हम यहाँ पर स्टेप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास केवल और केवल एक कंपोनेंट आएगा आई डैश, और वो हमें बता रहा है कि जो कोरियोलिस बल है उसका मान हो जाएगा आई डैश टू एम जी टी ओमेगा कॉस लैम्डा। एक महत्वपूर्ण बात है कि वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, लेकिन जो कोरियोलिस बल कार्य कर रहा है वो आई डैश की दिशा में है। आई डैश मीन्स पूर्व दिशा। इसका मतलब जब उत्तरी गोलार्ध में हम डिस्कस कर रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध के इस बिंदु पर वस्तु पर कोरियोलिस बल के कारण जो त्वरण है या कोरियोलिस बल है वो पूर्व दिशा की ओर होगा। तो हम एक कंक्लूजन यहाँ निकालते हैं कि जब उत्तरी गोलार्ध में किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंकते हैं तो वो पूर्व दिशा की ओर विस्थापित होगी, यानी उसमें जो अल्प विस्थापन होगा वो पूर्व दिशा की ओर होगा। जबकि अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में बात करेंगे तो ये यहाँ विपरीत होगा और दक्षिणी गोलार्ध में इसका विस्थापन पश्चिम दिशा में होगा। तो एक महत्वपूर्ण बात है कि जब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वस्तु उत्तरी गोलार्ध में गिरती है तो कोरियोलिस बल के कारण उसका विस्थापन पूर्व की दिशा में होगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह विस्थापन पश्चिम की दिशा में होगा। नाउ कितना विस्थापन होगा इसको ज्ञात करने के लिए देखिए हमारे पास बल आ गया। बल का न्यूटन का दूसरा नियम कहलाता है कि जो बल होता है एम ए, क्योंकि बल और एम ए तो हमारा ए का मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स डैश, तो मेरे यहां से इक्वेशन बन जाएगी एम डी टू एक्स डैश बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम जी ओमेगा कॉस लैम्डा। अगर मैं इस समीकरण को अवकलन करूं, क्योंकि देखिए एम और एम कैंसिल हो जाएगा, ये त्वरण है, हमारे पास किसी क्षण त्वरण का मान ज्ञात हो गया, तो इस समीकरण को समाकलन करके हम वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जब मैं इस समीकरण का समाकलन करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा डी एक्स डैश बाई डी टी अर्थात वेग, जबकि राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में क्योंकि जी नियत है, ओमेगा नियत है, कॉस लैम्डा नियत है, तो टी का समाकलन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, टू यहाँ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास डी एक्स डैश बाई डी टी आ गया जी ओमेगा कॉस लैम्डा टी स्क्वायर प्लस सी। सी हमारा समाकलन का नियतांक है। इस समाकलन नियतांक का मान हम इनिशियल कंडीशन से ले सकते हैं। हमने माना है कि प्रारंभ के अंदर वेग शून्य था, क्योंकि प्रारंभ में एक बात बिल्कुल निश्चित है, अगर वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आ भी रही है तो एक्स की दिशा में उसका वेग शून्य है। इसका मतलब अगर प्रारंभिक वेग नॉन जीरो भी लेंगे तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, और टी इक्वल टू जीरो रखेंगे तो डी एक्स डैश बाई डी टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जिससे हमारे पास इस नियतांक सी का मान शून्य होगा। तो इस तरह से हम कोरियोलिस बल के कारण एक्स दिशा में वस्तु का वेग ज्ञात करते हैं और वो होगा जी ओमेगा कॉस लैम्डा टी स्क्वायर। नाउ हमारा मूल उद्देश्य एक्स में विस्थापन की गणना करना है, तो अगर हमें एक्स में विस्थापन की गणना करना है तो इसे पुनः अवकलन करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में डी एक्स डैश बाई डी टी का जब समाकलन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन से हमारे पास एक्स डैश आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब बाई थ्री अर्थात एक्स डैश इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन थ्री जी ओमेगा कॉस लैम्डा टी क्यूब प्लस सी डैश। अगेन हमारे पास एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है, हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं क्योंकि प्रारंभ में एक्स की तरफ कोई विस्थापन होना ही नहीं है, कोरियोलिस बल तो गिरने के बाद होगा, तो उस कंडीशन लगाने से हमारे पास एक्स डैश का मान आ जाएगा वन अपॉन थ्री जी ओमेगा कॉस लैम्डा टी क्यूब। ये समीकरण चार जो है वो हमें टी की टर्म में एक्स विस्थापन बताता है, यानी कोरियोलिस बल के कारण हमारा कितना विस्थापन होगा। लेकिन सामान्यतः टी के स्थान पर हम ये देखना चाहते हैं कि वस्तु के एच से कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसको एच की टर्म में लाने के लिए हमारे सेकंड इक्वेशन एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से टी का मान टू एच अपॉन जी रखें तो हमारे पास ये समीकरण आ जाता है एच डैश इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री जी ओमेगा कॉस लैम्डा टू एच बाई जी थ्री बाई टू। ये मूल सूत्र है, यहां से साफ स्पष्ट है कि कोरियोलिस बल के कारण जो विस्थापन होगा उत्तरी गोलार्ध में जो पूर्व दिशा में विस्थापन होना है और जो दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम दिशा में विस्थापन होना है वह मूलतः एच की पावर थ्री बाई टू पर डिपेंड करता है। देखिए जी को तो हम यहाँ से बाहर ले लेंगे तो एक जी की पावर थ्री बाई टू में से एक पावर कैंसिल भी हो जाएगी, लेकिन अभी हम इसी टर्म में रखते हैं। देखिए ओमेगा लैम्डा ये हमें अच्छी तरह पता है कि अगर लैम्डा का 90 डिग्री होगा
मींस अगर हम सीधे ध्रुवों पर चले जाएं तो कॉस 90 जीरो हो जाता है और वहां जीरो होते हैं एक्स शून्य हो जाएगा। इसका मतलब ऊर्ध्वाधर वस्तु जो नीचे गिरती हुई वस्तु है उसका सबसे न्यूनतम प्रभाव ध्रुव के ऊपर होगा, क्योंकि ध्रुवों पर हमारा कॉस लैम्डा शून्य हो जाएगा तो ये मान शून्य होगा। तो एक कंक्लूजन तो ये आता है कि कोरियोलिस बल के कारण ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु पर, ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु पर न्यूनतम प्रभाव शून्य प्रभाव होगा ध्रुवों पर, और अधिकतम प्रभाव होगा हमारे भूमध्य रेखा पर। अगर भूमध्य रेखा पर बात करें तो इसका मान एक हो जाएगा। तो वहां पर देख सकते हैं जितना एच का मान ज्यादा होगा उतना एक्स डैश ज्यादा होगा, और इसी तरह से अगर एच कम है तो हो सकता है एक्स डैश शून्य हो जाए, लेकिन ये निश्चित है कि जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो वो ऊर्ध्वाधर नहीं आके उसका कुछ क्षितिज विस्थापन होगा, और ये क्षितिज विस्थापन हमारा कोरियोलिस बल के कारण है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ कुछ फिजिकल रीजंस पता चलते हैं। जब बारिश की बूंदें आती है कई बार वो डिस्प्लेस्ड हो जाती है, कोई वस्तु बहुत अधिक ऊंचाई से फेंकते हैं तो सीधी नहीं जाके हल्की सी डिस्प्लेस होती है, तो ये कोरियोलिस प्रभाव हम देख सकते हैं। सामान्यतः हमारे एग्जामिनेशन और डिफरेंट कॉम्पिटिशन के अंदर इस पर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दोनों पर आधारित प्रश्न होते हैं। अभी हमने केवल आज ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर गति की बात करी है, तो इस ऑब्जेक्टिव पर्पज से तीन क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, वस्तु का क्षितिज विस्थापन होगा कोरियोलिस बल के कारण, उत्तरी गोलार्ध में पूर्व दिशा में होगा और दक्षिणी गोलार्ध में ये पश्चिम दिशा में होगा। साथ ही एच डैश एच की पावर 3/2 के समानुपाती है, यानी एच डैश इज प्रोपोर्शनल टू एच की पावर 3/2। इस तरह से हम यहाँ पर पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति वस्तु पर कोरियोलिस बल का प्रभाव पड़ते हैं। आगे हम अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उस पर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव होगा उसको डिस्कस करें। थैंक यू।